हूँ, सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया, ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहाँ कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं, अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नियत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी, केवल ओबीसी को वोट बैंक मानते, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, बिना तैयारी के, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और उनको पता था कि ये नहीं होने वाला। मैं आज पूछा हूँ कमलनाथ से, क्यों उनके एडवोकेट जनरल जब 27% आरक्षण की बात की थी क्यों कोर्ट में खड़े नहीं हुए, क्यों तत्काल स्टे दे दिया, क्यों जब पीएससी की बात आई, इस स्टे की बात आई तो कहा, उन्हीं के वकील ने कहा क्या ये पीएससी में भी लागू होगा। कमलनाथ जी, ओबीसी अब बहुत समझदार है, आपने पाप किया वो जान गया है, आप अब इधर उधर की बातें ना करें। जनता सच्चाई जानती है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, हम समाज के हर वर्ग के साथ और हम ओबीसी के भी साथ हैं। न्याय मिला है इसके लिए धन्यवाद। तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं, अब हो थोड़ी सकता। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं।